मृतक बने मुलजिम या फैयार चौंकाने वाला देवरिया का। मृतकों को मुलजिम बना दिया गया जो अब नहीं रहे। देवरिया केस में दोनों तरफ से दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराया गया है। यह है रुद्रपुर थाना कोतवाली जहां की घटना है। फतेहपुर गांव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और उस दर्ज कराए गए अपराध पर अन्वेषण करेंगे विवेचक। विवेचक वहां के इंस्पेक्टर हैं जो थाना कोतवाली में इस समय तैनात हैं। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में जिन अभियुक्तों के नाम का उल्लेख हुआ है, आज हम उन लोगों का इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और बताएंगे कि सत्य प्रकाश की 10 वर्षीय बेटी को भी प्रेम यादव की जीवन लीला समाप्त करने में अभियुक्त के तौर पर केस में शामिल किया गया है। उसमें वह बालक नहीं है 8 वर्ष का जिसका इलाज हो रहा है, लेकिन इसके उसके ऊपर के गांधी को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, देवरिया पवित्रम नदियों में सुमार सरयू जो अयोध्या में भी हैं, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार, सरयू हैं, गंडक हैं, राप्ती हैं। इन नदियों के मनोरम भूभाग में स्थित गोरखपुर मंडल का जनपद देवरिया 250 साल जिंदा रहकर साधना और तपस्या का उच्चतम परिभाषा जिन्होंने लिखा, ऐसे हैं देवरहा बाबा जिनके यहाँ तमाम प्रधानमंत्री आए और जिनके नाम से देवरिया को जाना गया। यह पवित्र भूमि है जहाँ देवताओं का वास होता था। देवरिया को यदि देखा जाए तो 1946 में गोरखपुर मंडल से यह अलग हुआ जब देश अंग्रेजों की गुलामी की मजबूत जंजीरों को तोड़ने के लिए बेताबी के साथ मचल रहा था। बगल में चौरी चौरा भी है जो गोरखपुर में आता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देवरिया के उत्तर तरफ कुशीनगर, दक्षिण में बलिया, बागी बलिया और मऊ, पूर्व में बिहार का सिवान और गोपालगंज तथा पश्चिम में गोरखपुर स्थित है। देवरिया में कुल 5 विधानसभाएं हैं जिसमें एक विधानसभा रुद्रपुर भी है, रुद्रपुर कोतवाली है, रुद्रपुर तहसील है, रुद्रपुर विधानसभा है, जिसके विधायक हैं जयप्रकाश निषाद जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए हैं। रुद्रपुर तहसील का फतेहपुर लेहड़ा टोला वर्तमान में वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने लोगों को भीतर तक हिला दिया है। लोग जानना भी चाहते हैं कि इस घटना की असलियत क्या है और इसके मूल में वे कौन से कारक हैं जिससे दो दो परिवारों की बर्बादी हुई है। हम बारी बारी दोनों तरफ से दर्ज कराए गए अपराध पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव का जीवन समाप्त करने में जिन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है, उसमें प्रेम के परिवार के तरफ से उसमें पहले नंबर पर हैं दिवंगत सत्य प्रकाश दुबे। 54 वर्षीय सत्य प्रकाश दुबे हैं, उनकी पत्नी हैं किरण, उनकी बेटियों में 18 वर्षीय सलोनी है, 15 साल का गांधी एवं 10 वर्ष के नंदिनी को भी नामजद किया गया है। दिवंगत सत्य प्रकाश के बेटे देवेश की तरफ से थाना कोतवाली रुद्रपुर में दर्ज कराए गए अपराध में, यह अपराध दोनों लोगों से दर्ज कराए गए हैं, यानी एक देवेश और उनकी बेटी का भी नाम, सत्य प्रकाश की बेटी का भी नाम इसमें लिया जाता है। अभी तक FIR की कापी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, शीघ्र ही जैसे ही प्राप्त होगी मैं आपसे उसके बारे में गहन चर्चा करूँगा। जिसमें 27-28 लोगों को नामजद किया गया है, उसमें शेष अज्ञात हैं लगभग 50 लोग, कुल 77-78 की संख्या हो सकती है। कल लगभग 16 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने किया, कुछ परसों भी किया होगा, तो 24 घंटा में उन्हें हर हालत में न्यायालय में समर्पित करना होगा, उन्हें पेश करना होगा, इसलिए थोड़ी पहले भी गिरफ्तारी होती है तो दिखाते हैं बाद में। बहरहाल कल गिरफ्तारी दिखाई गई है और आज सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह 16 लोग हैं, मैं इनके बारे में भी बताता हूं कौन कौन लोग हैं, नाम के साथ बताऊंगा, और यह लोग आज सीधे वहां से मजिस्ट्रेट के यहां से जेल चले जाएंगे। देवरिया के जो भी मजिस्ट्रेट जो भी रुद्रपुर के होंगे, अलग अलग बटा है कौन कौन से थाने कौन से मजिस्ट्रेट देखेंगे। यदि देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की बात माने तो इन आरोपियों द्वारा किए गए अपराध में प्रयुक्त औजार उपकरण भी बरामद हुए हैं जिनसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिन 27 लोगों को नामजद किया गया है, 27-28 संख्या इनकी बताई जा रही है, उसमें एक दर्जन लोगों को फरार बताया जाता है। पुलिस की कई टीमें गठित कर सर्विलांस
उनके मोबाइल नंबर लेकर के उससे ट्रेस किया जा रहा है। अन्य सूत्र जो पुलिस के हैं उनके द्वारा है। रिश्ते नाते में दबिश दी जा रही है। कुल 6-6 टीमें बनाई गई हैं और इनके जो पुलिस के मुखबिर हैं, मुखबिर ये बीर होते हैं, मुखबिर मुखबिर होते हैं। अब इसको अलग से, यह अंग्रेजों के ज़माने से यह भाषा चली आती है और मुखबिर एक शब्द है जो पुलिस के काफ़ी करीब रहते हैं और यह बताते हैं। यह सुराग कसी क्या बोलते हैं, अभी भी उर्दू और फारसी के शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं, दस्तयाब नहीं हुआ ऐसे। तो इन मुखबिरों के माध्यम से उनकी तलाश की जा रही है। एक कारखास शब्द होता है, कारखास के बारे में हम बता चुके हैं, फिर से बता देंगे कभी। हम अंत परीक्षण रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की तरफ से जो अपराध दर्ज कराया गया है उसमें क्या लिखा गया है। दिवंगत सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी जिसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल थी, ससुराल से सूचना मिलने के बाद वो आई है और उसकी तहरीर के आधार पर जो केस दर्ज कर किया गया है उस पंजीकृत अपराध में इस बात का उल्लेख है कि 2014 में हमारे चाचा ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु जो अविवाहित हैं उनका अपहरण हुआ। वह अपहरण प्रेम यादव ने ही किया था। इसके बाद जबरदस्ती चाचा से हमारे खेत पर बहका फुसला करके बैनामा करवा लिया गया। इस बात की जानकारी जब हमारे पिताजी को हुई तो उन्होंने इसके लिए आपत्ति दाखिल करते हुए केस दर्ज कराने के लिए भागदौड़ शुरू किया। हमारे चाचा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं इसलिए बहला फुसलाकर अपने प्रभाव में लेकर के खेत लिखवा लिया गया। सोभिता ने कहा कि चाचा के खेत लिखवाने पर पिताजी द्वारा विरोध करने के फलस्वरूप प्रेम यादव हमेशा खार खाए रहते थे। इसकी रंजिश के चलते वह अपने अन्य साथियों और परिवार के लोगों के साथ आए थे और हमारे परिवार के लोगों के साथ जो किया वह सभी के सामने है। अब 5 लोग समाप्त हो गए। एक भाई देवेश सत्यनारायण भगवान की कथा करने निकला था इसलिए बच गया और एक भाई BRD बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में संघर्ष कर रहा है जिसे देखने आदित्यनाथ योगी सुबह सुबह गए थे। सोभिता की तरफ से दिवंगत प्रेम यादव सहित 18 लोगों का नाम लिखवाया गया है। सोभिता ने जो तहरीर दिया है उसके आधार पर कुल 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है भारतीय दंड संहिता के तहत। प्रेम यादव के पक्ष से उनके चचेरे भाई ने अपराध पंजीकृत कराया है। अब हम बात करते हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है और जो आज जेल भेजे जा रहे हैं। चूंकि एक तरफ से यानी प्रेम यादव की जीवन लीला को समाप्त करने के लिए जो कारक हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, वह अब तो रहे नहीं, तो पुलिस अरेस्ट किसे करेगी? सभी चले गए। इसलिए एक तरफ से अन्वेषण के बाद भी कुछ नहीं होना है क्योंकि और इस मामले में अभी तो कोई विटनेस उभर करके सामने आया भी नहीं है जो यह कहे कि हमने इस घटना को घटित होते हुए देखा है। तो इन 5 पर तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। इसलिए अब हम बताते हैं कि प्रेम यादव की तरफ से जिनकी गिरफ्तारी, उनके पक्ष में जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम हैं देवानंद यादव, अर्जुन यादव के भाई राम जी यादव, जो जिनके नाम संभवतः खेत लिखा गया है, बेचू राजभर हैं, अनुरुद्ध यादव हैं, राम भवन हैं, राधेश्याम यादव, परमहंस यादव, कुश यादव एवं गोरख यादव, इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस ने गांव और अगल बगल से ही किया जाना दिखाया है। दिखाया जाता है कैसे हम पकड़े, कहाँ भाग रहे थे, स्टेशन पर थे, बस पकड़ने जा रहे थे, ऐसे वैसे यह पुलिस दिखाती है, कहानियाँ भी इसमें बनाई जाती हैं। किंतु अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी गांव के बाहर पुलिस ने करना दिखाया है, जिसमें परशुराम राजभर हैं, फुलगेन यादव हैं, प्रदीप यादव हैं और दिवाकर तिवारी हैं, दुर्गेश यादव हैं एवं श्याम यादव के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला ने सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी किरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि किरण ने फोन करके हमारे पति को बुलाया और हमारे पति उस क्रम में मोटरसाइकिल लेकर के अकेले उनके घर चले गए और इन सभी लोगों ने मिल करके इस घटना को वारदात दिया जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पति अब नहीं रहे। दोनों तरफ से दर्ज कराए गए अपराध के एक ही अन्वेषक हैं जिनका नाम है नवीन कुमार सिंह, यह रुद्रपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं यानी कोतवाल। अब हर थाने इंस्पेक्टर रैंक के हैं और कुछ परसेंटेज है 2 स्टार के लोगों का तो उनको वह परसेंटेज दिया जाता है जैसा कि उनकी काबिलियत और उनकी कार्यक्षमता के आधार पर।
तो यहाँ 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर हैं नवीन कुमार सिंह। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं में सबसे पहले पुलिस पर कार्रवाई होती है, जिसमें बीट के आरक्षी होते हैं। वह क्या कर रहे थे, गांव में थे कि नहीं थे, इनसे इस तरह से अगर घटना हो सकती थी तो 107-16 की कार्रवाई किया कि नहीं किया। यदि 107-16 की कार्रवाई की गई होगी दोनों में शांति भंग की, तब तो वह बचे रहेंगे, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन होगा कि तुम कर क्या रहे थे। लेकिन अभी तक बीट आरक्षी, वहाँ के प्रधान आरक्षी, उस क्षेत्र के उप निरीक्षक और निरीक्षक यानी कोतवाली के प्रभारी, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिप्टी एसपी, एएसपी और पुलिस अधीक्षक इत्यादि अभी तक सुरक्षित हैं। कार्रवाई किसी भी क्षण हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अंत परीक्षण की रिपोर्ट का सवाल है, अंत परीक्षण 6 लोगों का हुआ है, जिसमें प्रेमचंद यादव का हुआ है और सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी किरण और तीनों बच्चों का। इसमें सभी को के इस अंत परीक्षण में काफ़ी चोटें दिखाई गई हैं और लगभग सैकड़ों चोटें पाई गई हैं सत्यप्रकाश के परिवार के तरफ से, और प्रेमचंद यादव पर भी गंभीर चोटें दिखाई गई हैं गले से लेकर के अन्य स्थानों पर। तो यह रहा भैया इनामजद लोग जो किए गए हैं, एक तरफ से तो कुछ होना नहीं है क्योंकि सभी नहीं रहे, और फिर एक तरफ से जिन लोगों पर एक्शन लिया गया है वह यह लोग हैं। पुलिस ने नापी, पुलिस की मौजूदगी में रेवेन्यू यानी राजस्व ने नापी किया है, नापी में दिखाया है कि इन्होंने जमीन उमीन का कब्जा किया है। किसी भी समय जैसा कि मैंने बताया तो वह बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। शायद कुछ और आगे होना हो एक आध दिन में, जिसकी सूचना 1-2 दिन में मिल जाएगी। अभी कुछ लोग भागते हुए मिलेंगे कुछ लोगों के पास, और जो भी है जैसे भी हो, जैसा कि होता है, अब वन विभाग भी एक्शन ले रहा है, अब जग गया है, अब तक नहीं जगा था। उसकी जमीन पर कब्जा हुआ था तो वन विभाग सो रहा था, खलिहान की जमीन पर भी कब्जा हुआ है तो अब तहसील जगेगा। और सबसे बड़े गुनहगार जो लोग हैं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, जिनके ऊपर जो सरकारी लोक सेवक हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं माना जाएगा। यदि उन लोगों ने समय रहते एक्शन लिया होता तो आज इस प्रकार की घटना देखने के लिए नहीं मिलती, और इस प्रकार जो विषाक्त वातावरण तैयार हो रहा है यह भी नहीं होता, यदि समय रहते जिम्मेदार लोग एक्शन लेते तो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज रुद्रपुर देवरिया के मामले पर हमारा यह वीडियो, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।